नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। भागलपुर जिले के जगदेशपुर प्रखंड में आज थम गया पंचायत चुनाव प्रचार। जगदेशपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। गौरतलब हो कि 14 पंचायतों में 29 सितंबर को मतदान होना है। 1544 प्रत्याशी मैदान में हैं। 208 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 126 बूथ अति संवेदनशील घोषित किया गया है। 208 मतदान केंद्र पर 1,17,022 मतदाता वोट डालेंगे। 29 सितंबर को 1,248 मतदान कर्मी मतदान कराएंगे। सदर SDO धनंजय कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बूथ का सारा पुराना इतिहास, कहीं जातीय समीकरण, कहीं धार्मिक स्थिति दिखाई दी। DDO, SHO, SDPO सबों ने मिलकर इस पर मजबूती से कार्य किया है। सुरक्षा को मद्देनजर आज फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। इस बार EVM एवं बैलेट बॉक्स दोनों की तरह से वोटिंग होगी। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कर रखा गया है। प्रशासन पूर्णरूपेण चुस्त एवं मुस्तैद है। उम्मीद है कि वोटिंग शांतिपूर्ण होगी। सर, 29 तारीख को आपका चुनाव है इस इलाके में। आपने सेंसिटिव और सुपर सेंसिटिव बूथ का को भी आइडेंटिफाई किया, क्या है उसकी वजह? जो वजह है वो देखिए, विभिन्न वजह हैं हर चीज़ों का। संबंधित बूथ वाइज क्या समस्या है उसको उस रिपोर्ट में स्पष्ट करते हुए, वो विभिन्न है। कहीं पे पुराना इतिहास बूथ का, कहीं पे जातीय, कहीं पे धार्मिक, तो वो अलग अलग है। बूथ स्पेसिफिक है, वो डिटेल्ड करके संबंधित BDOs, SHOs और हम लोगों ने भी घूम के, हमने SDPOs ने घूम के करा है और उस सभी को रिपोर्ट करा है उसी अकॉर्डिंग। निश्चित रूप से आज हम लोग का फ्लैग मार्च भी है संबंधित SDPO के साथ और संबंधित थाना के साथ। हम लोग एक बार घूमेंगे और बालू माफिया का वोटिंग पे तो हमको लग रहा है उस पर भी कार्रवाई हो ही रही है बालू माफिया पे, और वोटर पे एज सच कोई थ्रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हम लोग सजग हैं और चौकन्ने हैं, और पुलिस बल भी जो संबंधित थाना है वो देख रही है कि ऐसी दिक्कतें ना हो। इस बार संबंधित को निर्देश दिया गया है कि जहाँ पे बिजली कनेक्शन नहीं है वहाँ पे कुछ एक अल्टरनेट उसकी व्यवस्था करेंगे वो बिजली की, क्योंकि समय 7 बजे से 5 बजे तक है और 5 बजे हो सकता है कि वो और डिले हो, तो वहाँ पे उनको निर्देश दिया हुआ है और वो बिजली की समस्या नहीं होगी, मतलब बेसिकली लाइट की समस्या नहीं होगी। ध्यान दीजिए।